साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा वीडियो है, क्या अनमैरिड कपल एक ओयो के होटल रूम के अंदर या किसी भी और होटल के रूम के अंदर इकट्ठे स्टे कर सकते हैं? उसपे क्या कानून है? क्या पुलिस आके उनको तंग कर सकती है, उनसे सवाल जवाब कर सकती है, कोई ऑफेंस है, कोई केस बना सकती है या उनको किसी भी तरह ब्लैकमेल या हरास कर सकती है या थ्रेट कर सकती है? देखिए, यही मेरा आज का वीडियो है। मैं आपको कानून बताऊंगा और आपको बताया, मैं सिर्फ मुंह जवानी कानून नहीं बताता, आपको कोर्ट की हेल्ड करी हुई, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की हेल्ड करी हुई जजमेंट बताता हूं मैं आपको, जो क्लैरिफाई करती है उस चीज के ऊपर कानून पे। हमेशा से मैं आपको ऐसे ही बताता हूं, तो आज भी मैं आपको वो जजमेंट दिखाऊंगा जिसके अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया हुआ है कि ऐसे कपल्स को परेशान नहीं किया जा सकता। ऐसे कपल्स जो है अगर साथ में रहते हैं किसी ओयो रूम या होटल रूम, ओयो रूम स्पेसिफिकली नहीं लिखा, होटल रूम लिखा है उसके अंदर, तो उनको परेशान नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इल्लीगल नहीं है कुछ भी ऐसा। तो यही मेरा आज का वीडियो है। और अपने उससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आजकल ओयो रूम्स का कल्चर बहुत ज्यादा चला हुआ है, होटल रूम्स का से भी ज्यादा चला हुआ है। तो इसके ऊपर अगर कोई अनमैरिड कपल साथ में रुकता है जो कि कंसेंटिंग है, जो हमारे देश का कानून कहता है कि जो कंसेंटिंग अडल्ट्स हैं जिनको कानून फिजिकल रिलेशनशिप में एंटर करने की इजाजत देता है, तो वो होटल रूम्स के अंदर भी साथ में रुक सकते हैं, ओयो रूम्स के अंदर भी साथ रुक सकते हैं, वो कोई ऑफेंस नहीं है। देखिए, हमारे देश का कोई कानून है ही नहीं इस चीज पे, क्योंकि आप लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रहना, कोर्ट कहती है कि आप रह सकते हैं, उसके अंदर जो है कोई ऐसे बार नहीं है, कोई ऐसा ऑफेंस नहीं बन जाता कि अगर दो कपल हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, विदाउट मैरिज रह रहे हैं, तो कोई ऑफेंस नहीं है। हमारे देश का कानून है, जब उसको ऑफेंस ही नहीं कर रहा, तो अब आप एक प्राइवेट प्लेस के अंदर आप रहेंगे, क्योंकि ये देखिए होटल रूम जो होता है वो कोई ऐसा पब्लिक प्लेस नहीं है कि जहां ओपन में अंदर कोई फिजिकल रिलेशनशिप के अंदर एंटर हो रहा है, वो प्राइवेट प्लेस है, एक बंद कमरा है, उसके अंदर अगर कोई फिजिकल रिलेशनशिप में रहता है या बिना फिजिकल रिलेशनशिप के भी अगर कोई रहता है, जरूरी नहीं है कि अगर किसी कपल ने टाइम पास करना है या सिर्फ बात करनी है तो फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं है तो भी वो कमरा लेके रह सकते हैं। अब बंद कमरे में क्या हो रहा है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन मैं इस बात को ये नहीं कह रहा कि ये मॉरली ठीक है कि नहीं। देखिए, मेरा काम सिर्फ कानून बताना है आपको, कानूनन जो है आपको पुलिस तंग नहीं कर सकती, थ्रेट नहीं कर सकती, आपसे सवाल जवाब नहीं कर सकती अगर आप कंसेंटिंग अडल्ट्स हैं। तो अब आइए आपको मैं दिखाता हूं इस पे जजमेंट क्या है। ये हाई कोर्ट ऑफ मद्रास की जजमेंट है 26/11/2019 की, माय प्रेफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोयम्बटूर एंड अदर्स। द केस ऑफ द पिटिशन इज दैट ऑन 25/6/2019 एट 11 AM अ सर्च वॉज कंडक्टेड इन द प्रमाइसेस बाय द टीम फ्रॉम द ऑफिस ऑफ तहसीलदार पीलामेडू पुलिस स्टेशन। During the course of such search, it is stated that certain liquid bottles were found inside one of the rooms occupied by the guests, and in one room, two adults, male and female, who were not married with each other were staying. The premises came to be sealed by the team without any written order, which has prompted the petitioner to file the present writ petition. The learned counsel would submit that such an action, जो कि सीलिंग का एक्शन था, has been taken based on viral news spread on the social media. Court ने held किया, apparently in view of the viral news spread in the social and other media, the extreme step of sealing the premises has been taken. When a specific question was put to the respondents as to what could be the illegality in permitting unmarried couples to stay in hotel rooms, the respondents had no answer to the same. Apparently, there are no laws or regulations forbidding unmarried persons of opposite sex to occupy hotel rooms as guests. While live-in relationship of two adults is not deemed to be an offense, terming the occupation of hotel room by an unmarried couple will not attract a criminal offense. While that being so, the extreme step of sealing the premises on the ground that an unmarried couple were occupying the premises is totally illegal in the absence of any law prohibiting the same. जजमेंट देख लिया कि एक होटल को जो सील कर दिया गया था उसको डीसील करने के लिए ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने, क्योंकि ये जो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर कपल्स रह रहे होते हैं या वो किसी कमरे के अंदर रहते हैं या कोई होटल का कमरा बुक करते हैं, ओयो का रूम बुक करते हैं, तो वो ऑफेंस कुछ नहीं होता,
क्योंकि कंसेंटिंग अडल्ट एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में भी एंटर कर सकते हैं और अदरवाइज तो एक कमरा बुक करके रह ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर कभी पुलिस की रेड पड़ जाए या पुलिस आ जाए और आपको थ्रेट करने की कोशिश करे या ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, आपसे ज्यादा सवाल जवाब करे या कहे तो ऑफेंस है, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपका देश का कानून आपको इजाजत देता है सब करने की और इसमें कोई ऑफेंस नहीं है। तो आपको पुलिस वाला कभी कोई थ्रेट करे या ब्लैकमेल करे तो आप उनकी कंप्लेंट हायर अथॉरिटीज में कर सकते हैं कि इन्होंने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करी। तो यही हमारे देश का कानून है और यही मेरा आज का वीडियो था। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।